नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भक्त और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली एक ऐसी जाति के विषय में चर्चा करेंगे जिसके इतिहास को कई बार तोड़ा मरोड़ा गया और आज आजादी के लगभग 75 से भी अधिक साल होने के बाद भी उस जाति के लोगों को उनके हिसाब से सम्मान नहीं मिल पाया है। दोस्तों, हुआ तो यहाँ तक की है कि राजस्थान की पुस्तकों में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं हाई स्कूल की, उस पुस्तक में भी उनके बारे में जो इतिहास लिखा गया वो कदापि सरगरा जाति का इतिहास नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए कि ये कास्ट सिस्टम जो भारत में चलता था क्या वो हमेशा नुकसानदायक था या कभी कभी वो कुछ उपयोगी भी था। इस वीडियो में हम इस विषय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार किसी जाति का कभी हीन हो जाना और कभी कभी वही जाति कुलीन बन जाती थी। इस जातिगत सिस्टम को आपको समझने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, मनुस्मृति या वैदिक विश्लेषण को यदि हम ध्यान से देखें, जिसमें यदि हम पुराणों को भी शामिल कर लें या फिर त्रिपिटक या फिर उपनिषदों को भी अगर हम शामिल करें तो हमें पता चलेगा कि ये सारे पुराण या फिर उपनिषद उस समय के किसी ना किसी राजा के लिए संविधान के तौर पर लिखे गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार पूरे राज्य को या पूरे देश को चलाया जाए ताकि व्यक्ति मानव और समाज का उत्थान हो सके। तो दोस्तों, यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो ये जो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये वर्ण व्यवस्था जो है वो समस्त मानव के लिए एक शिक्षण की डिग्रियां हुआ करती थी। सनातन की जो संस्कृति रही है वो समभाव की रही है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की रही है। इस संस्कृति ने कभी किसी को छोटा बड़ा मानने से हमेशा इनकार किया है, लेकिन इसी संस्कृति की पुस्तकों में ये जातिगत विश्लेषण आखिर आया कैसे? तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार आज शिक्षा व्यवस्था में चार ही विभाजन मुख्य रूप से किए गए हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, जिसको आप नॉर्मली समझें, जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी समझ सकते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी, या फिर आप इसको स्नातक, परास्नातक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन आज भी विभाजन चार ही भागों में किया गया है। उसके पश्चात जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं वो पीएचडी या फिर रिसर्च स्कॉलर कहे जाते हैं। दोस्तों, ये जो रिसर्च शब्द आया है ना, ये भी भारतीय संस्कृति से ही निकाला गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऋषि शब्द पहले से था जो अपनी सारी शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण करने के बाद समाज कल्याण के लिए जंगल चले जाते थे, वन चले जाते थे या पहाड़ों में जाकर ध्यान करते थे ताकि कुछ ऐसे विज्ञान की वो खोज कर सकें, कुछ ऐसे चीजों का वो खोज कर सकें जो मानव के लिए उपयोगी हो सके। एक्चुअल में ये थी ये भावना कि इस भावना के साथ मनुस्मृति या फिर पुराणों में जो जातिगत व्यवस्था बताई गई है वो बताई गई है। और ये सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में पाए जाने वाले समस्त जीवों के लिए भी लिखी गई है। यदि आप ध्यान दें तो इस पृथ्वी पर मानव के अलावा बहुत सारी जीवित चीजें रहती हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़ है, शेर है, हिरण है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। यदि हम मनुस्मृति को सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना शुरू करें तो उसमें हमको मिलेगा कि उसने ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको चार वर्णों में विभाजित किया, लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ मानवों पर ही लागू करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मनुस्मृति को सर्वदा सर्वसृष्टि के लिए समझें तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति ने पूरे जीवों को चार वर्णों में बांट दिया। तो सिंह उसमें क्षत्रिय वर्ण का हो जाएगा, मानव उसमें ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रजातियां भी हैं जो साफ सफाई करती हैं, जैसे कि सुअर है, ये कुछ ऐसी चीजें जो विष्ठा खाती हैं ये सफाई करते हैं, तो ये सृष्टि में ही पाई जाती हैं तो उनको शुद्ध वर्ण में रखा जाएगा। या फिर अगर आप देखें तो कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो कलेक्शन करती हैं, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी शहद का इकट्ठा करती है तो वैश्वीकरण करती है। तो ये जो मनुस्मृति आज लिखी गई है उस जमाने की बायोलॉजी या जीव विज्ञान की पुस्तकों की तरह यदि हम सकारात्मक तरीके से समझें तो हमको समझ में आएगा व्यवस्था विभाजन की व्यवस्था सिर्फ समाज को समुचित ढंग से चलाने के लिए था।
ये था एक विषय, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि आज हम सगरा जाति के वंशावली पर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों हमको सारे सिनेरियो, सारे उस समय के जिस तरह से माहौल था, उन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें सरगरा जाति के वर्ण व्यवस्था या सरगरा जाति के इतिहास को समझने के लिए भी पूरी तरह से इस विभाजन की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जातियों के, वो कोई भी जाति का हो, जिसको आज हीन समझा जाता है या छोटी जाति का समझा जाता है, किसी को सवर्ण समझा जाता है या बड़ी जाति का, उन सभी के लिए ये चैनल उन सभी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है वो इतिहास हम बताते हैं, ताकि किसी भी जाति या किसी भी पंथ या किसी भी समुदाय के मन में कभी छोटा होने की भावना ना आए, वो सभी समझें कि किसी न किसी कालांतर में उनका भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और यही सच्चाई है, क्योंकि इस भारत में कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, कुछ द्रविड़ियन हैं जिनका एक अलग हिस्ट्री है, या फिर आप मिहिरगढ़ सभ्यता को देखें, या फिर आप जो मोहनजोदड़ो इन सभ्यताओं को देखें, तो इसमें बहुत सारी सभ्यताओं के लोग इस आर्यावर्त में रहते थे। तो दोस्तों आज सरगरा जाति का इतिहास जो है वो राजा सगर से जोड़कर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसका तथ्यात्मक विश्लेषण भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजा भगवान श्री राम की वंशावली क्या थी। एक्चुअल में भगवान श्री राम को ब्रह्मा की 47वीं पीढ़ी माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कहां से ब्रह्मा जी की पीढ़ी हुई और किस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके पश्चात मैं आपको सगर की भी वंशावली इसी वंशावली से निकलते हुए समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मारीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इच्छाकु, इच्छाकु से कुच्छी, कुच्छी से विकुच्छी, उसके बाद बाण, फिर अनारण, फिर पृथु, फिर त्रिशंकु, फिर धुंधमार, धुंधमार से युवनाश्व, फिर मानधाता, फिर सुसंधि, सुसंधि के दो बच्चे हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजीत, ध्रुव संधि के बेटे भरत, जिसके नाम पर इस राष्ट्र को भारत भी कहा जाता है, उन भरत के बाद असित, असित के बाद सगर, राजा सगर के असमंज, असमंज के अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, भगीरथ से कुकुत, कुकुत से रघु, रघु से प्रबुद्ध, प्रबुद्ध से शंकर, शंकर से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्रग, शीघ्रग से मरु, मरु से प्रसुश्रुक, प्रसुश्रुक से अम्बरीश, अम्बरीश से नहुष, नहुष से यायति और नाभागा, फिर अज, फिर दशरथ और उनके चार बेटे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी जो थी वो भगवान श्री राम की वंशावली है। अब इसी वंशावली में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको मिलेगा कि इस वंशावली में जिस प्रकार बताया गया कि जैसे भरत से असित, असित से सगर, लेकिन यहीं पर आप देखें तो एक मूल शाखा को पकड़कर ही ये पूरी वंशावली लिखी गई है, जबकि इन सबके और भी पुत्र हुए, जैसे भगीरथ के 60,000 पुत्रों का वर्णन होता है। लेकिन यहां इस वंशावली में हमें भगीरथ से कुकुत मिलेंगे, उसके बाद रघु मिलेंगे, तो हमको समझना पड़ेगा कि जो एक वंशावली थी उसके जो अन्य पुत्र हुए वो अन्य पुत्र भी उसी वंश से संबंधित थे, ना कि किसी और वंशावली से। तो दोस्तों मैं सरगरा जाति को सगर का वंशज मानता हूं, राजा सगर का वंशज, और वो भी रघुकुल से ही आए। क्यों? उसके पीछे तथ्य है, क्योंकि जिस प्रकार कोई भी जाति, आज जो वात्सायन है, जो वत्स गोत्र के लोग हैं वो वात्सायन ऋषि के वंशज मानते हैं, जो वाल्मीकि गोत्र के लोग हैं वो वाल्मीकि ऋषि के वंशज मानते हैं अपने आप को, जो भृगु ऋषि के लोग हैं वो भृगु के वंशज मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सरनेम है वो उस ऋषि से संबंधित है। इसी प्रकार सरगरा का जो सरनेम है वो सगर से संबंधित है। यहां पर आपको इस तथ्य को समझना होगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उस पौराणिक कालीन इतिहास का कोई भी डेटा इस समाज में मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके सरनेम में उस राजा का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये सरगरा का सरनेम राजा सगर से जुड़ा हुआ है, तो हमको इस तथ्य को भी स्वीकारना चाहिए, उसी प्रकार जैसे कि पंडित दीनानाथ मिश्र, तो वहां पे वो मिश्र वंश के, मिश्र में वत्स
वत्स गर्ग गौतम सांडिल्य जो किसी भी होंगे उनका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इन मिश्र लिखने मात्र से ही वो उस वंशावली से माने जाते हैं। इसी प्रकार जो वंशावली हजारों सालों से उसका तद्भव रूपांतरण होता रहा, कुछ उसे सरगरा कहते हैं, कुछ उसे सरगदा कहते हैं, कुछ उसे सगरहा कहते हैं, कुछ उसे सरगरा वंश कहते हैं। इस प्रकार जो जातियां राजस्थान के आसपास या फिर हिमाचल में है या फिर हरियाणा में जो पाई जाती हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं, तो ये जातियां अगर अपना सरनेम सरगरा लगाती हैं, तो हमें इस तथ्य को समझना होगा कि कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है राजा सगर से जुड़ा हुआ है। और अब इस तथ्य को सच में बदलने के लिए मेरे पास दो ऐसे उदाहरण हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। एक्चुअली जो सरगरा की वंशावली है उसमें हम देखेंगे तो एक बार भगवान ब्रह्मा जो सॉरी एक बार गुरु बृहस्पति के आदेश पर एक राजा ने एक यज्ञ का आवाहन किया। उस आवाहन में बृहस्पति ने बताया कि एक जीवित मनुष्य की आवश्यकता होगी जो उस अग्नि में डाला जाएगा। वो राजा मानसिंह यानी कि ऋषि सिंघी के आश्रम में पहुंचा और उसको अपनी बात बताई। ऋषि सिंघी ने अपने पुत्र को मंत्रों सिद्ध करके उस हवन के लिए दे दिया। तब उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। उस पुत्र को 3 महीनों तक हवन कुंड में डालकर रखा गया और हवन समाप्त होने के बाद वो पुनः सशरीर बढ़िया हेल्दी स्वस्थ शरीर के साथ जीवित निकला। और ऐसा कहा जाता है कि फिर उसका पालन पोषण ऋषि वाल्मीकि ने किया। ऋषि वाल्मीकि के यहाँ पालन पोषण के पश्चात उसका विवाह अवनी के राजा के यहाँ हुआ। अवनी कहाँ है? अवनी इस समय मध्य प्रदेश में आता है। तो अवनी के राजा से उसका विवाह हुआ और उसके 3 पुत्र हुए, एक सरगरा, एक का नाम गांछी और एक का नाम सेवक था। ये वही वंशावली है जो आज भी अपने आप को सरगरा, सरगरहा या फिर सरगदा नाम से उच्चारित करती है। अब दोस्तों आप देखिए कि अगर वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो जब सीता माँ का वनगमन होता है, जब अयोध्या में दोबारा से, जब एक कथा है कि एक व्यक्ति के कहने पर भगवान राम ने सीता को वनगमन का आदेश दे दिया था, दोबारा से उनका त्याग किया था, उस समय भी वो देखें तो आपको एक लिटरेचर मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि सीता भी वाल्मीकि के आश्रम में रही है। इसका इसे सिद्ध होता है और कई और ऐसे आपको तथ्य मिल जाएंगे वाल्मीकि रामायण में जिससे, और वाल्मीकि ने ही रामायण लिखी। तो इसका अर्थ है कि रघुकुल वंश से वाल्मीकि का बहुत बड़ा संबंध रहा। और जब आप सरगरा जाति के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी वाल्मीकि का संबंध आता है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों वंशावली रघुकुल और राजा सगर, अब ये दोनों एक ही वंशावली है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने पिता का सरनेम लगाता है तो भी वो उसी वंशावली के, और वो कोई अपने दादा का सरनेम लगाता है तो भी वो उसी वंशावली का हुआ, क्योंकि वंशावली तो सेम है। वो चाहे कोई भगीरथ की वंशावली बताए, कोई राजा सगर की वंशावली से खुद को बताए, चाहे कोई दशरथ की वंशावली से खुद को बताए, लेकिन है वो सब सूर्यवंशी वंश से। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो अपने दादा का सरनेम लगाए, चाहे उससे पूर्व हुए किसी पिता का सरनेम लगाए, वंशावली तो सेम हुई। तो जिन लोगों ने राजा सगर को अपना वंशज मानकर उनकी वंशावली को लगाना शुरू कर दिया, वो सरगरा जाति लिखना प्रारंभ कर दिए। और जिन्होंने राम के बाद अपनी वंशावली राम के नाम पर न्योछावर कर दिया तो उन्होंने रघुकुल या रघुवंशी या अग्निवंशी, सूर्यवंशी, बहुत सारे ऐसे नाम अपने अपने कुल के लिए उन्होंने रखा। और दोस्तों एक बात और है यहाँ पे, जितने भी ये वंशज हैं इनके सिर्फ एक ही एक वंशावली तो चली नहीं, उनके भी 4 बेटे, किसी के 10 बेटे, किसी के 60,000 बेटे, ऐसे वर्णन मिलता है। तो उन बेटों का क्या हुआ? जैसे दशरथ का ही ले ले, सबसे जो रिसेंट एग्जाम्पल है उसमें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की तो वंशावली हमको बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन भरत या शत्रुघ्न की अगर हम वंशावली ढूंढे तो वो भी तो इसी देश में रहे होंगे, उनके भी तो पुत्र राजा बने होंगे। और एक बात और, आप अगर प्रभु राम को ही देखें तो आपको मिलेगा कि उनको भी अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, यानी कि उस काल में भी अपनी शक्ति का परचम फैलाना और शक्ति दिखाना या अपने राज्य को बढ़ाना उस जमाने में भी एक परंपरा थी। अब उस समय अंग्रेज तो थे नहीं,
या फिर मुगलों से तो कोई युद्ध होता नहीं था। तो इसका अर्थ है कि उस समय भी जब अपने साम्राज्य का विस्तार होता रहा होगा तो युद्ध होता रहा होगा। और आपको भी पता है कि युद्ध के पश्चात जो भी बंदी बनाए जाते हैं उनको हीन भावना से देखा जाता है और उनको नीची जाति का समझा जाता, छोटी जाति का समझा जाता, ये उस समय की परंपरा है। तो मित्रों सेम चीजें, सेम फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उस जमाने में भी जब ये आपस में भिड़े तो एक दूसरे को नीचा छोटा बड़ा ऊंचा बताते रहे हैं। हम रघुनंदन की तो पुरुषोत्तम है, उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो वंशज थे वो इसी भारत में रहे। उन्हीं आप देखिए राजपूत वंशावली, अगर बप्पा रावल के टाइम पे आप देखें तो 700 से 800 के आसपास बप्पा रावल ने एक वंश की स्थापना की, और वही राजपूत वंशावली जो मेवाड़ से निकलती है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो ये वंशावली वहां नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि ये जो क्षत्रिय वर्ण था वो मार्शल कास्ट, यानी कि जिन लोगों ने उस समय राज्य के हित में या प्रजा के हित में तलवारें उठाई, स्त्रियों के सम्मान में तलवार उठाई, या अपने किले या अपने देश को बचाने के जिन लोगों ने सम्मान में या जिन लोगों ने शस्त्र उठाए, शस्त्र धारण किया, शस्त्र विद्या ली, वो सभी क्षत्रिय वंश के होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वैदिक संस्कृति या वैदिक सनातन धर्म का लिटरेचर बोलता है ऐसा कि जो जिस धर्म का पालन करेगा वही वो उसी धर्म का कहा जाएगा। आप देखें अगर विश्वामित्र एक उदाहरण है, विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए लेकिन उनको वशिष्ठ से देखकर उनको लगा कि क्यों ना तप किया जाए, तो बाद में ऋषि विश्वामित्र हो गए। तो यहां पर ऐसा थोड़ा है कि उनकी वंशावली परिवर्तित नहीं हो जाती थी। इसी प्रकार जो पहले हाई स्कूल पास करता था, मतलब शुद्ध पास करता था, फिर वैश्वीकरण सीखता था, फिर उसके बाद क्षत्रित्व सीखता था, फिर ब्राह्मणित्व सीखता था, फिर ऋषि बनता था रिसर्च करते करते, ये शिक्षा व्यवस्था का अंग था। तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कुछ मेरे मित्र यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि भारत में पूरा बौद्ध ही था, मैं इसको स्वीकार भी कर लेता कि एक समय पर भारत में बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार था। लेकिन मैं अपने दोस्तों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अशोक सम्राट ने उनकी किताबों में, उनके स्मृतियों में, उनके शिलालेखों में ये मिलता है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बात ये सिद्ध करती है कि उन्होंने उसको अपनाया था, पहले वो किसी और धर्म में थे, यानी कि सनातन संस्कृति में रहते हुए बौद्ध संप्रदाय को उन्होंने अपनाया था। अब आप मेरी बात को समझ जा रहे होंगे कि सनातन संस्कृति सर्वदा से है, भगवान श्री राम से, मतलब सतयुग से लेकर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, हमेशा से संस्कृति जीवित रही। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि जो राजा सगर के वंशज हैं वही सगर है। और इसका दूसरा एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो कोटा में एक किला जो किशोरी सगर किला के नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ है, और एक और डिस्प्यूटेड मामला है 1921 का, उसमें मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि कोर्ट डिस्प्यूटेड मामला है। वहां पर एक शमशान था जहां पर सगरा जाति के लोगों के कुल गुरु का जो है एक समाधि बनाई गई थी। उस समाधि को कई बार हटाया गया, इधर उधर शमशान को ले जाया गया, ये सब इसलिए किया गया ताकि इतिहास को बदला जा सके। और ये मामला 1856-1921 ऐसे सब में डिस्प्यूटेड रहा है। तो किसी जाति को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए और ना ही ये होते हैं सनातन संस्कृति में। सर्वदा सर्वभावनां वृद्धि कारणम्, ये सामान्य विशेष सिद्धांत सनातन संस्कृति की देन है। और सर्वे वंश सुखना, सर्वे संत निरामा, मां कश्यप दुर्भाग भवेत, ये भी सनातन संस्कृति की देन है। तो मित्रों सरगरा जाति जो है वो क्षत्रिय वंश से आती है। और एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखें तो जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों का अधिक सम्मान करते हैं, और जो सगरा जाति की कुल देवी है वो ब्राह्मणी देवी कही जाती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इनका ब्राह्मणों से लगाव रहा है, ये उनको जानते रहे हैं सगरा जाति के लोग, तो इसीलिए इन्होंने अपने कुल देवी का नाम ब्राह्मणी देवी रखा। और ब्राह्मणी देवी के बारे में एक पुस्तक मुझे मिली है, मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि वो पुस्तक मैं इस यूट्यूब चैनल पे उसको लेकर आऊं और उसका जो जिस्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूं। तो सगरा जाति के लोग ये समझें कि कालांतर में इतिहास बदलते गए, हो सकता है उनके राजा पराजित हो गए हों, इसलिए उनको ये बताया जा रहा है कि घरों में साफ सफाई करते थे, राज कुल में साफ सफाई करते थे, ये
नृत्य आदि करते थे, ये ससुरा सुंदरियों वाले लोग थे, या फिर ये हमारे यहाँ नौकर चाकर हुए, इन सब चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग तो तब कहना शुरू करेंगे जब आप अपने इतिहास को प्रचारित करेंगे। और आप राजा सगर के बारे में बात करेंगे, राजा सगर की भी बात करिए, श्री राम की भी बात करिए, तो आप समझिए अपनी वंशावली को, आप समझिए। और मैं वैद्यभिषेक कुमार भक्त जब तक मेरे माता सरस्वती से अनुरोध करता हूँ कि कृपा बनाए रखें, और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश करूंगा कि और भी चीजें डिटेल में मैं आपको लेकर के नए वीडियो में फिर से मिलूं। तब तक के लिए नमस्कार, सभी को राम राम।